नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, शेरघाटी शहर में प्रखंड कार्यालय के समीप बुधवार को उत्पाद थाना का उद्घाटन शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ESP के रामदास ने फीता काट कर किया। उत्पाद थाना अध्यक्ष फैयाज अहमद ने मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत बुकें देकर किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त मद निषेध प्रेम कुमार, प्रवीण कुमार ट्रेनी DSP 12 चट्टी, रामलखन पंडित थाना अध्यक्ष 12 चट्टी सहित भारी संख्या में उत्पाद पुलिस के जवान मौजूद थे। आइए दिखाते हैं गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। क्या लग रहा है सर, कितना जो शराब पे देखिए, किसी भी चीज़ों को इतनी जल्दी हम लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से ना देखें। यहाँ से अगर खुली है, एक्साइज थाना खुली है, तो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा। और काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि एक्साइज थाना खुले, इस एरिया में कोई थाना नहीं था, जिस कारण से थाना बहुत लोड होती थी। हम लोगों को सूचनाएँ मिलती रहती है कि शेरघाटी के अंतर्गत जैसे शराब की जो खेप है, शराब की जो आवागमन है, होती रहता है। और इसमें कई पकड़ाए भी हैं और कुछ नाम भी हम लोगों के सामने हैं। और समय समय पर सूचनाएँ मिलती है कि शहर के कुछ कुछ एरियाओं में चलाए शराब का है ये इस पर, और साथ ही साथ बेचने वालों की सूचनाएँ मिलती रहती हैं, लेकिन वो उस इफेक्टिव ढंग से वर्क नहीं हो पाता। लेकिन अब एक्साइज थाना खुली है, मेरे ख्याल से इस पर लगाम लगेगा। और आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि शराब की जो लगाम लगी है, इसी का नतीजा है कि अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है सो दूसरे नशा करना शुरू कर दिया है, दूसरे नशा की तरफ रुख किया है, जैसे गांजा पीना। और गांजा सिगरेट में डाल के या ऐसे क्या करते हैं, उसका जो दूसरा यूज है उस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाएंगे, जो स्पॉट हम लोग को चिन्हित है, ऐसे लोगों को सावधान भी होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पकड़ेंगे तो फिर उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। टीम को मजबूत किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग कि टीम वर्क में काम करें, और टीम वर्क में काम हो, जितनी भी शराब का और गांजा का या नशा का जो भी कारोबारी है उनको पूरी तरह से ब्रेक करें, ताकि शेरघाटी स्वस्थ हो सके। जो नौजवान इससे एडिक्ट हो रहे हैं, गांजा की तरफ बढ़ रहे हैं, आधा नशा की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको रोका जा सके और नया जनरेशन जो है अच्छे माहौल में अच्छे नशा मुक्त होकर अपनी कार्य कर सके। घाटी में अभी आज उद्घाटन हुआ है, यह दूसरा जिला गया जिला का दूसरा सेकेंड उत्पाद थाना है। अभी तत्काल मैन फोर्स कम है, तो कब हम ये टीम वर्क है, एक्साइज टीम, पुलिस, ALDF, प्रशासन, सो इंटेलिजेंस बारे में या कार्रवाई बारे में, तकनीकी एक्शन बारे में, सो टीम वर्क करना है। सो आने वाले समय में शराब या नार्कोटिक ड्रग्स उनका कंट्रोल भी करेंगे। दूसरा थाना है सर, एक गया में और दूसरा शेरघाटी में। एक खोलने का मकसद यही है कि इफेक्टिवली हम लोग शराब पे लगाम लगाएं। थाना तो सब जगह है नहीं, लेकिन थाना का और भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन एक्साइज का काम सिर्फ शराब से संबंधित है, इसलिए हम लोग इसमें और तेजी मुस्तैदी दिखाएंगे। और संभावना है या ये कहिए कि हम लोग जीतेंगे ही,